नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए विनायक चतुर्थी की व्रत कथा और उसका महत्व लेकर आए हैं। दोस्तों, चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश की तिथि मानी गई है। धर्म शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा दोपहर मध्याह्न काल में की जाती है। श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। वे सभी दुखों और कष्टों को हरने वाले देवता हैं। इसलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। दोस्तों, विनायक चतुर्थी की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर भी खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उठा। इसके जवाब में भोलेनाथ ने नर्मदा नदी के निकट से कुछ तिनके एकत्रित किए और एक पुतला बनाया। उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। ये कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती ने चौपड़ का खेल शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोगवश 3 बार माता पार्वती जीत गईं। खेल समाप्त होने पर उन्होंने बालक से कहा कि हार जीत का फैसला करो। तब बालक ने महादेव को विजय बता दिया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को श्राप दिया और बोली, तुम्हारा एक पैर टूट जाएगा और तुम कीचड़ में पड़े रहोगे। ये सुन बालक ने माता से माफी मांगी और बोला, माता, मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया है, किसी द्वेष से नहीं। तब माता पार्वती ने उससे कहा, इस स्थान पर विनायक चतुर्थी के दिन गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं और उनसे श्री गणेश के व्रत की विधि पता कर उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने बालक को मन वांछित वर मांगने को कहा। तब बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास पहुंच जाऊं। बालक को यह वचन देकर विघ्नहर्ता श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और वहां पहुंचने की सारी कथा उसने महादेव को सुना दी। उस समय पार्वती जी महादेव से विमुख हो रखी थी। माता के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का 21 दिनों तक व्रत किया, जिसके प्रभाव से माता की नाराजगी दूर हो गई और वो स्वयं महादेव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी से पूछा, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास आ गई? तब भोलेनाथ ने विनायक चतुर्थी का इतिहास उन्हें बताया। यह सुन माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जताई और इसी इच्छा से उन्होंने भी 21 दिनों तक विघ्नहर्ता श्री गणेश का व्रत किया और पूजन किया। व्रत के 21वें दिन
कार्तिकेय जी स्वयं पार्वती जी से मिलने आए। कार्तिकेय जी ने यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने 21 दिनों तक व्रत कर गणेश जी से जन्मों से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा और गणेश जी ने उनकी यह मनोकामना पूर्ण करी। इस प्रकार विनायक चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूर्ति व्रत कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी विनायक चतुर्थी की कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।